बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को विजय इन्फो चैनल में खुश आमदीद। सब दोस्तों का मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही होंगी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका के विजिट वीज़ा के बारे में कि आप लोग साउथ अफ्रीका के विजिट वीज़ा कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन साउथ अफ्रीका के वीज़ा के लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका कोविड-19 की वजह से, क्योंकि सारे कंट्रीज़ बंद हैं और साउथ अफ्रीका और कुछ दूसरे ममालिक जिन पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ वीज़ा दे रहे हैं, मेरे उन दोस्तों के लिए जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं ताकि वो आने वाले वक्त में किसी अच्छे कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें तो उन्हें मिल जाए, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। वो लोग अभी, उनके पास टाइम भी है, वो लोग साउथ अफ्रीका का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें विजिट वीज़ा मिल जाएगा। इसकी वीज़ा रेशो अभी बहुत अच्छी है। बहुत सारे दोस्तों ने वीज़ा अप्लाई किया था जिनको वीज़ा मिल चुका है। तो मैं अपने सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि आने वाले वक्त में किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए साउथ अफ्रीका का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। स्टिकर वीज़ा होता है इसका, ये आपके पासपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा आपके पासपोर्ट की वैल्यू बन जाएगी। अगर आप यहाँ से ट्रैवल करके आ जाते हैं तो और ज़्यादा वैल्यू बन जाएगी। चले आए दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट से आपने इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, जो कि $50 में आएगी। आप अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अपने किसी भी दोस्त का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप लोगों ने अपने उस अपॉइंटमेंट के पेज का प्रिंट आउट ले लेना है और आपने इसी वेबसाइट से अपना वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करना है। वीज़ा फॉर्म का आपने दो प्रिंट आउट ले लेने हैं। उन दोनों फॉर्म को आप लोगों ने ब्लैक पॉइंटर से फिल आउट करना है। आपने किसी और कलर की पॉइंटर यूज़ नहीं करनी, वरना आपको दोबारा जब आप VSF ग्लोबल के ऑफिस जाएंगे तो आप लोगों को दोबारा फिल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी और कलर की बॉल पॉइंट से अगर फिल करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने लाजमी तौर पे ब्लैक पॉइंटर ही यूज़ करना है। तो दोस्तों, उसके अलावा आप लोगों ने अपनी जो है इंश्योरेंस करवा लेनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंगल पर्सन के लिए वो मैक्सिमम 1500 के अराउंड अबाउट आपकी 10 से 15 दिन की बन जाएगी ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आपने अपनी होटल बुकिंग करवा लेनी है ऑनलाइन, आप फ्री होटल बुकिंग करवा सकते हैं। अपनी एयर टिकट आपकी हो जाएगी, वो भी आप लोगों की बुकिंग फ्री हो जाएगी। आप लोगों ने होटल बुकिंग पेड नहीं करवानी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। होटल बुकिंग जो है, फ्री वाली होटल बुकिंग भी चल जाती है, आप लोगों ने बिल्कुल भी पेड नहीं करवानी। अपने पैसे आप लोगों ने बचाने हैं। तो मेरे दोस्तों, उसके आगे आप लोगों की आ जाएगी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में वही चीज़ें हैं जो मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप लोगों ने अपना FRC लगाना है, अपने वालदैन वाला जो आपके माँ बाप के साथ होगा, आपने FRC लगानी है। अगर आपकी शादी हुई हुई है तो आप लोगों ने अपनी वाइफ और बच्चों के वाली FRC लगानी है। अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी MRC लगेगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी वालदैन वाली FRC लगानी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपने बिजनेस डिटेल देनी है, आपने अपना NTN दे देना है, अपना चैम्बर दे देना है। और अगर आप लोग बिजनेस नहीं करते, आप लोग कोई जॉब करते हैं, तो आप लोगों ने अपनी लास्ट तीन महीने की पे स्लिप्स लगा देनी है, और अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आप लोगों की पे आती है वो अपने साथ लगा देनी है। और आप लोगों ने एक अपनी जो आपकी कंपनी है जिसमें आप लोग जॉब करते हैं उसकी तरफ से लेटर लगाना है कि ये बंदा हमारे पास जॉब करता है, इतने अरसे से हमारे पास जॉब कर रहा है, इसकी इतनी पे है, ये इतने दिन की छुट्टियों के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ये वापस अपनी जॉब पे फलां डेट से आ जाएगा। तो जो अपनी तरफ से आपने लेटर लगाना है वो एक सादे पेपर पे होगा। अगर आप जॉब नहीं करते, वाइट कलर के A4 साइज़ पेपर आपने यूज़ करना है, फोटोकॉपियों के लिए भी और अपनी रिक्वेस्ट लेटर के लिए भी। A4 साइज़ से छोटा पेपर आप लोगों ने किसी भी वीज़ा के लिए यूज़ नहीं करना। तो दोस्तों, आप उसमें सिंपली अपनी एक रिक्वेस्ट लिखेंगे जिसमें आप लोगों से ये वीज़ा ऑफिसर को ये बताएंगे कि हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग किसी कंपनी में जॉब करते हैं, इतनी हमारी इनकम है, हम लोग जो है वो विज़िट करना चाहते हैं आप लोगों के कंट्री को, आप लोग आपका कंट्री देखना चाहते हैं, आपका कल्चर देखना चाहते हैं। हम वीडियोस बनाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे अपने दोस्तों के लिए, अपने फेसबुक पेज के लिए, तो अपने फैमिलीज़ को आके दिखाएंगे, आप लोगों के कंट्री के बारे में बताएंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें आप लोगों ने अपने रिक्वेस्ट लेटर में लिखनी है। फिर एंड में आप लोगों ने नीचे एक कॉलम ज़रूर लिखना है कि हम लोग जो मैं आपका कंट्री विज़िट कर रहा हूँ, तो ये सारे अखराजात जो भी इस मेरे ट्रिप पर आएंगे
मैं वो खराजात खुद बर्दाश्त करूँगा, और उसकी तफसील के लिए मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगा दी है ये सबूत के तौर पे कि मैं इस ट्रिप को बर्दाश्त कर सकता हूँ। बैंक स्टेटमेंट में आप लोगों के पास कम से कम भी 6-7 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस 6-7 लाख रुपये का होना चाहिए, जिससे आप लोग आसानी से वीज़ा मिल जाएगा आपको। तो जो दोस्त मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको मालूम है कि विजिट वीज़ा के लिए आप लोगों ने अपने रिक्वेस्ट लेटर के साथ अपना एक शेड्यूल देना होता है डे बाय डे का, कि आप लोग वन बाय वन डे कहाँ कहाँ जाएंगे। आपने तमाम जगह जो है वो गूगल से आप लोगों ने देख लेनी है कि टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, और आप लोगों ने केप टाउन सेलेक्ट करना है, वो इसका बहुत एक सिक्योर सिटी है साउथ अफ्रीका का, तो आप लोगों ने वो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो लोग बिजनेसमैन हैं वो मेरे दोस्त याद रखें कि आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट लेटर जो है वो अपने जो आपका बिजनेस का लेटर एड पैड है उसके ऊपर लिखना है, एंड में अपनी साइन स्टेप लाजमी करनी है रिक्वेस्ट लेटर के एंड में, रिक्वेस्ट लेटर के एंड में भी करनी है, जो आपने शेड्यूल बनाना है उसके भी एंड में अपने साइन सिग्नेचर करनी है और उसके स्टैंप लगानी है। और उसके बाद आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड की A4 साइज की फोटोकॉपी करवानी है फ्रंट बैक साइड की, और अपने पासपोर्ट के तमाम पेजेस की जिन पे वीज़ाज लगे हुए हैं या आपकी स्टैंप्स लगी हुई हैं उन तमाम पेजेस की आपने फोटोकॉपी करवानी है और A4 साइज़ की फ़ोटोकॉपी करवानी है। आपने अपना पोलियो कार्ड बनवा लेना है उसकी भी आपने A4 साइज़ की फ़ोटोकॉपी करवानी है, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक जगह पे करके साथ अटैच करके फाइल बना के आप लोगों ने VFS ग्लोबल चले जाना है। VFS ग्लोबल में आप लोगों से 3750 रुपये वीज़ा फ़ीस ली जाएगी, उसके अलावा कोई और फीस नहीं है इसकी। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, VFS ग्लोबल में आपको वो लोग ये भी बोलेंगे कि आप लोग अपनी फ़ाइल की वेरिफिकेशन करवा लें, 2500 रुपये उसके अलावा चार्जेस हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग उस पर पैसे ज़ाया नहीं करेंगे, आप लोग डायरेक्ट ही अपनी फ़ाइल वहाँ से डिस्पैच करवाएंगे। वहाँ पे जाते वक्त कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि वो लोग कुछ सवाल करेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें पूछेंगे, तो वहाँ पे जाने के लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो एम्बेसी नहीं है, वो जस्ट एक कोरियर सिस्टम है, वो आपसे डॉक्यूमेंट लेके कंप्लीट करके आगे डिस्पैच कर देते हैं। वहाँ पे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल आराम सुकून से जाना है, इसका कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आती, आपने अपनी चीज़ें डिस्पैच कर देनी है वहाँ से, और 4 से 5 दिन में आपका वीज़ा होके आ जाएगा। ये बहुत अच्छा मौका है, मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है जो ये चीज़ देख रहे हैं कि वो लोग अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री बना लें जिसकी बेस पे वो आगे यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकें, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, वो साउथ अफ्रीका का वीज़ा ले लें, वहाँ से होके आएँ, विज़िट करके आएँ, वीज़ा आपको मिल जाएगा, आपको इंट्री भी मिल जाएगी साउथ अफ्रीका में, वहाँ से आप होके आएँ और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ, ताकि जब मार्च में दोबारा कंट्रीज़ ओपन होंगे तो आप लोग वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होता, ना ही आपकी तरफ से मुझे कोई पैसे आ जाएंगे, ना ही इस तरह के कोई मामलात होते हैं, दोस्त पता नहीं क्यों घबराते हैं सब्सक्राइब करने से। आप लोगों को मालूमात मिलेगी, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा, किसी और दोस्त को भी कोई मालूमात चाहिए होगी आप मेरा चैनल उसको बता सकते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं कि भाई इस बंदे को देखो, आपको अच्छी मालूमात मिलेंगी, मेरा नीचे फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी कॉल करके मुझसे रابطہ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।